दोस्तों, अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश भाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉर्ज ऑरवेल के एक खूबसूरत ऐसे को जिसका नाम है व्हाई आई राइट। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल का यह ऐसे आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फोर्थ मॉडर्न ब्रिटिश प्रोज के सिलेबस में भी पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे स्टार्ट करें। आइए उसके पहले जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आइए इनके पेन नेम को जानते हैं। इनका जो पेन नेम था वह था जॉर्ज ऑरवेल। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर। ध्यान दीजिएगा, पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल था और ओरिजिनल इनका जो नाम था वो एरिक आर्थर ब्लेयर था। इनकी बर्थ डेट जानते हैं 25 जून 1903, यानी 25 जून 1903 में ये पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950, यानी 21 जनवरी 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं, ये जर्नलिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, एसेइस्ट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक भी थे। अब इनके फेमस वर्क्स को देखते हैं। एनिमल फार्म, जो बहुत ही शानदार इनका एक वर्क है एनिमल फार्म। शूटिंग एन एलिफेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। और वाई आई राइट, ये आपके सिलेबस में ही है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जॉर्ज ऑरवेल 20th सेंचुरी के महान राइटर में एक राइटर थे। तो दोस्तों, ये तो हो गई जॉर्ज ऑरवेल की शॉर्ट बायोग्राफी। तो अब चलते हैं वाई आई राइट की समरी पर और बेहद आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल ऐसे की शुरुआत में ही बताते हैं कि उसके राइटर बनने का क्या कारण था। तो इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल अपने चाइल्डहुड के इवेंट्स को बताना शुरू करते हैं कि वह अपने चाइल्डहुड में अकेला रहा करता था और उसकी एक आदत थी, एक हैबिट थी इमेजिनरी पर्सन्स के साथ बातें करने की। और जॉर्ज ऑरवेल को 16 साल की उम्र के बाद ऐसा फील होना शुरू हुआ कि उसे अच्छे और बड़े नॉवेल्स को लिखना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वह ऐसे नॉवेल्स लिखना चाहता था जिनकी एंडिंग अनहैप्पी हो। दोस्तों, इस एज तक आते आते जॉर्ज ऑरवेल का मानना था कि अधिकांश राइटर अपने एज के इवेंट्स के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। लेखक हमें यहाँ पर लिखने के पीछे चार कारणों को बताता है। पहला कारण है कि खुद को महत्वपूर्ण समझना, यानी अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, यानी कि आफ्टर डेथ, मौत के बाद लोग उसकी राइटिंग को याद रखें, उसे इम्पोर्टेंस दें, यानी अपने आप को महत्वपूर्ण समझना। ये पहला उन्होंने कारण दिया। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अपने ईगोइज्म, जो पहला कारण था वो ईगोइज्म के चलते ही केवल राइटर नहीं लिखते हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईगोइज्म के कारण लिखते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, कलाकार, राजनीतिज्ञ आदि जो लोग होते हैं अपने ईगोइज्म के ही कारण लिखते हैं, क्योंकि अधिकांशतया लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो अब जॉर्ज ऑरवेल लिखने के पीछे दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि लिखने के पीछे एस्थेटिक एंथुजियम इसका मेन कारण होता है। इसका मतलब है कि किसी राइटर के आसपास जो एस्थेटिक मतलब सुंदरता होती है, राइटर उस ब्यूटी की प्रशंसा करता है और इसके साथ साथ उसके लिखने की लैंग्वेज जो सुंदर होती है वह अपने ऑडियंस यानी श्रोतागण के सामने रखने की हमेशा कोशिश करता रहता है।
और इस एस्थेटिक एंथुजियम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि ऑडियंस इस सुंदर भाषा को समझ सके। अब जॉर्ज ऑरवेल लिखने के पीछे तीसरा कारण बताते हैं, और जो तीसरा कारण है वह है हिस्टोरिकल इम्पल्स। हिस्टोरिकल इम्पल्स के जरिए एक राइटर हमेशा कोशिश करता है कि एक रीडर चीज़ों को वैसे ही देखे, महसूस करे या समझे जैसे कि वे चीज़ें वास्तविक होती हैं, क्योंकि जो राइटर होता है वह अपने रीडर्स के सामने एक्चुअल फैक्ट्स को रखता है। दिस इज द थर्ड मोटिव टू बिकम द राइटर। राइटर बनने के पीछे जॉर्ज ऑरवेल का यह तीसरा मुख्य कारण था। अब जॉर्ज ऑरवेल चौथा और इम्पॉर्टेंट रीजन अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं कि लिखने के पीछे उनका चौथा रीजन क्या था। तो जो चौथा रीजन है उसका नाम है पॉलिटिकल पर्पज। विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पर्पज एक राइटर अपने ऑडियंस के माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब एक राइटर अपनी राइटिंग के जरिए लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करता है कि उसके मरने के बाद लोग उस राइटर को पहचाने, समाज में उसकी इम्पोर्टेंस को पहचाने। दोस्तों अब ऐसे के लास्ट में जॉर्ज ऑरवेल बुक लिखने के एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करते हुए कहते हैं, टू राइट अ बुक इट इज़ नॉट इजी वर्क। यानी एक किताब लिखना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि बुक लिखना बहुत ही खतरनाक होता है। अर्थात बुक लिखना एक थका देने वाला संघर्ष होता है। एक राइटर के लिए क्रिएटिव बुक लिखना एक बहुत कठिन काम होता है। तो जब बुक लिखने मतलब बुक लिखना इतना मोनोटोनस होता है, यानी थका देने वाला होता है, तो राइटर लिखते ही क्यों है। तो जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे उनके अंतरात्मा का दबाव होता है, क्योंकि जिस प्रकार लोग अपने अपने प्रोफेशन का काम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर बड़े ही ऑनेस्ट तरीके से करते हैं, ठीक वैसे ही एक राइटर के लिखने के पीछे उसके अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है वह जॉर्ज ऑरवेल के लाइफ की पर्सनल मैटर पर आधारित है। तो ये था आपका ऐसे वाई आई राइट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश भाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो को मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।